हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि लास्ट ईयर मैंने आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट पूरा कवर किया था। इस वीडियो में भी मैं आपको आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अगर आप आइजर्स है ना, जो 7 आइजर्स हैं, इसमें से आपने सुना भी होगा आइजर कोलकाता, आइजर पुणे, मोहाली है ना, भोपाल। सो बच्चों, अगर आप BSMS 5 ईयर कोर्स होता है, BSMS अगर आप करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री है ना, मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजिकल कोर्सेज, या फिर कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में देर इज़ इंजीनियरिंग ऑल्सो, जैसे आइजर भोपाल में है, अगर आप करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, तो आइजर्स आपके लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है, बच्चे स्पेसिफिक सब्जेक्ट में रिसर्च करना चाहते हैं, और जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है इन इंस्टीट्यूट्स की। खैर, उस बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला नहीं हूँ। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 को लेके, क्या चेंजेस हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले, इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है? एग्ज़ाम होने वाला है बेटा 3rd of July, संडे, 3rd जुलाई को 2 बजे से 5 बजे तक। दूसरी चीज़, इसका फॉर्म कब फिल कर सकते हैं? तो इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हो, अभी फॉर्म आउट हो जाएंगे फ्राइडे से, मतलब 29th of April से। मतलब अभी फॉर्म नहीं आए हैं, 29th of April से इसके फॉर्म आउट होंगे, आप फिल कर सकते हैं। 3rd जुलाई को इसका एग्जाम होगा। दूसरी चीज, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने हटा दिया इस बार। ठीक है, तो वो 75% वाला बोर्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आपको 60% मार्क्स लेके आना है, जो बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए चाहिए होते हैं। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको 55% बोर्ड्स में मार्क्स लेके आने होंगे। तीसरा जो मेजर चेंज है वो है मार्किंग स्कीम में। तो पहले क्या होता था, +3 -1 होता था, और अगर कोई क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया, अटेम्प्ट नहीं किया, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं मिलता था, ना ही नेगेटिव मिलता था, ना ही कुछ पॉजिटिव, जीरो मिलता था अगर आपने छोड़ दिया कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। और गलत करने पर -1, सही करने पर +3। अब क्या कर दिया है, +3 -0.75। तो अगर आप सही करोगे क्वेश्चन तो +3 मिलेगा, और कोई क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया टिक, तो -1 नहीं होगा, -0.75 होगा। ठीक है, तो ये मेजर मेजर चेंजेस थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लेके, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म आएंगे, और क्या मार्किंग स्कीम है, कितने क्वेश्चन होते हैं। तो देर आर 60 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, 15 फॉर फिजिक्स, 15 फॉर मैथ्स, 15 फॉर बायोलॉजी। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 63 180 मार्क का पेपर होता है। 2 बजे से 5 बजे तक इसका पेपर चलेगा, 3 घंटे का पेपर है। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, अगर आप आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 लिखते हो गूगल पे, पहले लिंक ओपन करते हो, सबसे नीचे चले जाओगे, तो आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। मैंने लास्ट ईयर का जो आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर था, उसका पूरा सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है। तो उसका मैं लिंक भी प्लेलिस्ट के अंदर डाल दूंगा, इसका न्यू प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2022 के नाम से। तो आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, 21 वाली प्लेलिस्ट में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस एग्जाम से रिलेटेड, क्या कट ऑफ रही थी, क्या रहा था। और कोई डाउट अगर आपके दिमाग में है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं बिल्कुल कवर करने की कोशिश करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ये थे सारे चेंजेस जो आपको पता होने चाहिए। थैंक यू।